Hello friends, this is Nardeep Badwal. Welcome back to my channel Naruzota Blog. दोस्तों मारुति सुजुकी के खेमे में एक से बढ़कर एक कारें हैं, जैसे कि इसके एंट्री लेवल हैचबैक कार अल्टो K10 से लेकर इनविक्टो तक, जो कि 7 सीटर प्रीमियम MPV है। दोस्तों जिस सेगमेंट में जाओ उस सेगमेंट में आपको एक से बढ़कर एक कारें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक 7 सीटर बजट MPV की सख्त जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मारुति सुजुकी प्लान कर रही है 7 सीटर MPV, जो कि मारुति सुजुकी की मोस्ट पॉपुलर हैचबैक कार वेगनार पे बेस्ड रहने वाली है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मारुति सुजुकी बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में एक 7 सीटर बजट MPV लाने वाली है मारुति वेगनार पे बेस्ड। और जहां तक इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें तो एंड ऑफ 2024 और अर्ली 2025 ये रहने वाली है। और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करें तो 6.50 लाख टू 10 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली हो सकती है। जहां तक इसके डिजाइन डायनेमिक्स की बात करें तो काफी हद तक ये मारुति सुजुकी वैगनार की तरह ही दिखने वाली है। लेकिन इसके जो हेडलैम्प यूनिट है और जो इसके फॉग लैम्प यूनिट है और फ्रंट ग्रिल है, टोटली चेंज आपको देखने को मिलेगा। इसमें नए डिजाइन के LED डे टाइम रनिंग लाइट, LED हेडलैम्प यूनिट, फॉग लैम्प यूनिट, चारों ओर बॉडी क्लैडिंग आपको देखने को मिलेगा। इसके साइड प्रोफाइल में 16 इंच के अलॉय व्हील आपको देखने को मिलेगा। और वहीं इसमें आपको ORVM में 360 डिग्री कैमरा आपको देखने को मिल सकता है टॉप इन वेरिएंट में। और इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत ही शानदार रूफ रेल और इसका रियर प्रोफाइल भी बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं दोस्तों। LED टेल लैम्प यूनिट, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलेगा। इंटीरियर इसका डैशबोर्ड लेआउट मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स से काफी हद तक मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। टॉप इन वेरिएंट में 9 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, लोअर वेरिएंट में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। वहीं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और आर्मरेस्ट कूल ग्लोव बॉक्स, रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट भी आपको देखने को मिलेगा रूफ माउंटेड, जैसे कि मारुति सुजुकी अर्टिगा में आपको देखने को मिलता है। वहीं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको हूबहू मारुति सुजुकी वैगनार की तरह ही 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। और ये CNG अवतार में भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है दोस्तों। और इसके साथ ही सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। इंटीरियर लेआउट की बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2+3+2 की होने वाली है, और जो कि आपको बहुत ही शानदार बजट MPV के रूप में देखने को मिलेगा भारतीय बाजार में। और इसके साथ ही आपको यहां पे जो है मारुति सुजुकी अर्टिगा को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए अंडर 10 लाख में ये लॉन्च हो सकती है भारतीय बाजार में, जो कि बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन रहने वाली है कस्टमर्स के पास एक 7 सीटर बजट MPV के रूप में। तो दोस्तों आज की वीडियो यही थी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा। और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एक्सेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।